हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज जो चैप्टर चल रहा था उसमें आज हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। समझते हैं यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि क्लास टेंथ में अगर देखा जाए तो कुछ आपको बेसिक चीजों को यहाँ पर स्टडी करना है, उस बेसिक चीजों को स्टडी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिगर ड्रा किया है, उसी बेस्ड पर हम आपको समझेंगे कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और कैसे स्पर्म जो इसके अंदर इंटर करता है और इंटर करने के पश्चात फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के पश्चात कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है, वो सारी चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे। पहले स्टार्ट करते फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहली चीज ये इसमें भी आ रही कॉमन चीजें हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या, यानी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो सबसे पहला यहाँ पर कंडीशन बन रहा है कि फीमेल में जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं। तो मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उस ऑर्गन को कहते हैं जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है उस ऑर्गन को हम लोग जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। यहां पर अगर हम देखें जाए तो यहां पर जो गैमेट बन रहा है, गैमेट मींस यहां पर सेकेंडरी ओवोसाइट है जिसे हम बाद में ओवम कहेंगे, तो वो जो सेकेंडरी ओवोसाइट या ओवम है उसका फॉर्मेशन आपके इस ओवरी भाग में हो रहा है। ओवरी देख रहे तो एक पेयर ओवरी यहां पर प्रेजेंट है, एक इधर की ओर है एक इस साइड की ओर है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ये ओवरी है, यहीं पर जो है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अगर गैमेट की संख्या की बात की जाए, ओवरी की संख्या की बात की जाए तो दो होती है, यानी वन पेयर यहां पर ओवरी जो है प्रेजेंट होता है, वन पेयर इसकी संख्या यहां पर होती है, एक इधर और एक इधर, ये यहां पर हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम किसे कहते हैं, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उसे कहेंगे जो इस ओवम के, जो ओवम है उस ओवम के ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है, और इसके अलावा जो है जहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है या जहां से स्पर्म प्रवेश कर रहा है, उन सारे पार्ट्स को हम लोग यहां पर जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। जैसे अगर हम यहां पर देखें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो सबसे पहले तो पार्ट्स आ जाएगा वजाइना, वजाइना इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, क्यों, क्योंकि यहीं से स्पर्म जो इंटर करता है, उसका सर्विकल कैनाल आ जाता है, ये भी आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। अंदर की ओर होते हुए यूटरस है, यूटरस भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आ जाता है। फैलोपियन ट्यूब जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। एम्पुला वो इस्थमस भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एम्पुला, हालांकि तीनों पार्ट जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब का एक भाग है, तो हम इसको केवल फैलोपियन ट्यूब से रखेंगे। फैलोपियन ट्यूब क्या, ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स यहां पर होता है, ये तो यहां पर होगा। इसके अलावा निप्पल्स जो होते हैं, निप्पल्स भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की श्रेणी में आता है। तो ये आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स फीमेल का हो गया। तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बहुत सारे पार्ट आए, इसमें ओविडक्ट आ जाएगा, ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक। इसके अलावा जो है इसमें यूटेरस सेकेंडरी सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन्स होता है, इसमें सर्विक्स, इसके अलावा इसमें वजाइना एंड वल्वा, और इसके अलावा एक और रहेगा निप्पल्स जो होता है, ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आता है। निप्पल जो होता है ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की श्रेणी में आता है। तो ये इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब इसको समझेंगे कि किस प्रकार से इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कैसे इसमें ओव्यूल्स का डेवलपमेंट करता है, ओवम कैसे बनता है, और उसके बाद कहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की क्या क्या भूमिकाएं होती, उस चीज को यहां पर समझेंगे। तो ये समझते हैं सबसे पहले कि ओव्यूलेशन कब होता है, कब ओवम बनता है, यानी ओवम बनने की प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और ओवम इज नोन एज ओव्यूलेशन। यानी यहां पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। अब ये ओव्यूलेशन, ये फॉर्मेशन ऑफ ओवम तो है, लेकिन यहां पर क्या है, वो ओवम जो होता है वो इंटर करता है, यानी यहां से निकल करके, ओव्यूलेशन का मतलब होता है ये यहां से निकल करके इस फिम्ब्री के द्वारा ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना, तो ये आपका पूरा ओव्यूलेशन की प्रोसेस में आ जाएगा। समझते हैं कैसे ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन कब होता है। तो ओव्यूलेशन में आपको सबसे पहले पढ़ना रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये अप्रोक्स लगभग जो है 24 से 35 डेज का होता है,
और इसके अंदर एवरेज मान ले तो 28 डेज का, मान ली एवरेज अगर मान लिया जाए तो 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल यहां पर पाया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या, यह पर मंथ चलने वाली एक प्रोसेस होती है फीमेल में। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो यह पर मंथ चलता रहेगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो यह रुक जाता है। हालांकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यह 40 से 45 साल की स्त्रियों में उसके बाद पीरियड रुक जाता है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आने का रीजन क्या है कि वहां पर जो है 40 से 45 साल के बाद वह ओवम बनना बंद हो जाते हैं, तो वहां पर ओव्यूलेशन भी बंद हो जाती है। समझते कैसे होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर देखें तो यहां पर फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्री ओव्यूलेशन, प्री ओव्यूलेशन। इस प्री ओव्यूलेशन टाइम में जो है ओवेरियन फॉलिकल्स जो होता है वो डेवलप करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स इसमें डेवलप होते हैं, फॉलिकल्स डेवलप होता है। फिर क्या होता है ओव्यूलेशन। अब ये प्री ओव्यूलेशन की प्रोसेस कब से आती है, तो ये जो है जो उसका जीरो डेज प्री ओव्यूलेशन, हालांकि इसमें एक प्रोसेस और होता है ब्लीडिंग्स डे, ब्लीडर्स जो है ब्लीडिंग डेज भी होता है। तो ब्लीडिंग्स डेज में क्या होता है, वहां पर जीरो से फाइव डेज जो होता है वो ब्लीडिंग जो है डेज होता है, उसमें लगातार ब्लड का सिक्रेशन होता है। जो भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो सारे ओवम का या जो भी उसमें एंडोम वो बने हैं कार्पस लूटियम उन सब का वहां पर जो है विघटन होने लगता है। तो पहला प्री ओव्यूलेशन है, उसके पहले जो यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो उसको लिए मैं पूरा साइकिल बना दे रहा हूं। पहला है ब्लीडिंग्स टाइम, ब्लीडिंग टाइम जो होता है जीरो से फाइव डेज का होता है, लगभग लगभग जीरो से फाइव डेज का। उसके बाद होता है प्री ओव्यूलेशन टाइम या प्री ओव्यूलेशन पीरियड, ये होता है छठे से लेकर के तेरहवें दिन तक का होता है प्री ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस में यहीं पर जो है जो ओवेरियन फॉलिकल्स है वो ओवेरियन फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन जो होता है यहां ये माना जाता है कि अगर 28 डेज का है तो उसकी एकदम मिड डेज यानी 14th डेज पर जो है यहां पर जो ओव्यूलेशन होगा। और उसके बाद आता है अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसके बाद की प्रोसेस है पोस्ट ओव्यूलेशन। पोस्ट ओव्यूलेशन जो होता है वो 15वें से लेकर के जो 28वां दिन है इस अवस्था को पोस्ट ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन का मतलब होता है, अंडोत्सर्ग का मतलब है कि जब ओव्यूल्स का बनना। तो ओव्यूलेशन कब होता है, ओव्यूलेशन इन द मिड पॉइंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मैं 28 डेज का मान रहा हूं यहां पर तो 28 डेज का 14th डे जो होता है वो इसका मिड पीरियड होगा, और इस पीरियड में ही 14th डे पर ही जो है यहां पर ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी। तो ओव्यूलेशन कहां पर हो रहा है, मिड डे पर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। यहां से क्या होता है, एक ही ये लगभग 20 ओवेरियन फॉलिकल्स, 20 ओवेरियन फॉलिकल्स पर मंथ जो है वो ग्रोथ करते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ही ओवम जो होता है तो सेकेंडरी वो साइड के फॉर्म में होता है, वो यहां से निकल करके इस फिम्ब्री, जैसे यहां से निकलता है फिम्ब्री क्या करता है उसको जो है ले लेता है और ले करके इसको जो आगे की ओर बढ़ा देता है, और ले आकर के यहां पर जो एम्पुलरी रीजन होता है वहां पर स्थित कर देता है। ये तो पहली प्रोसेस हो गई, जो फीमेल गैमिट्स है जिसको हम लोग ओवम कह रहे हैं वो ओवम यहां तक पहुंच गया, तो ये पहली प्रोसेस हो गई। अब बात करते हैं स्पर्म कैसे अंदर आएगा और उसका क्या क्या रोल है, उस चीज को यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आयो आपको समझ में आया होगा कि ओव्यूलेशन क्या है। ओव्यूलेशन जो होता है यानी जब पर मंथ ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के एकदम मिड डे पर इस ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट निकल करके ये जाती है और एम्पुलरी रीजन में यहां पर स्थित हो गई। ये यहां पर क्या हो गई एम्पुलरी, इसको नाम देते हैं सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंड ओसाइट। तो ये सेकेंडरी ओसाइट के नाम से इसको जानते हैं, तो सेकेंडरी ओसाइट हो गया, पूरा लिख देते हैं अच्छा यहां पर सेकेंडरी, तो सेकेंडरी ओसाइट यहां पर बन गया। ये ओवम नहीं है, रीजन अभी भी आपको समझ में आ जाएगा ओवम इसको क्यों नहीं कह रहे हैं। तो पहले सेकेंडरी ओसाइट बन गया। अब स्टार्ट करते हैं यहां पर कि किस प्रकार से जो भी यहां पर जो है स्पर्म है वो कैसे स्पर्म यहां पर आएगा, तो समझेंगे यहां पर जैसे स्पर्म आएगा स्पर्म कैसे आएगा, सीमेन के माध्यम से आएगा। सीमेन के माध्यम से इस वजाइना के थ्रू होते हुए जो स्पर्म होंगे वो स्पर्म सीमेन के माध्यम से, लगभग कितने मैंने बताया था 200 to 400 million स्पर्म प्रेजेंट होते सीमेन में, तो वो यहां पर आएंगे और इस माध्यम से आते हुए पहुंचेंगे, ठीक है इस तरह से। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि जो वजाइना होता है उस वजाइना के अंदर अगर बात किया जाए तो बहुत ही ज्यादा हीट पाया जाता है, और हीट भी होता है और साथ में कुछ बैक्टीरिया भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं,
और उस बैक्टीरिया के प्रेजेंस में वहां पर जो है एसिडिक कंडीशन होता है। तो वेजाइना में कैसा होता है, एसिडिक कंडीशन यहां पर पाई जाती है। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि स्पर्म एसिडिक कंडीशन में मर जाता है। तो उस सीमेन के साथ में स्पर्म क्या है, स्पर्म सीमेन के साथ में आएगा। और सीमेन कैसा है, सीमेन में बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये बेसिक नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। और इसी में उपस्थित है स्पर्म, इसी में प्रेजेंट है स्पर्म्स प्रेजेंट है बहुत सारे, अप्रोक्स लगभग 200 टू 400 मिलियन स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन द सीमेन। सीमेन क्या है, सीमेन इज द व्हाइटिश एंड कह सकते हो कि एकदम कोलॉइड फॉर्म में एक व्हाइटिश कलर का सब्सटेंस होता है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट के मिनरल न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम आयंस या कुछ एंजाइम्स, प्रोटोलिटिक एंजाइम्स आर यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो उसके साथ में ये इंजेक्ट करता है। तो जैसे से अंदर जाता है, चूंकि बहुत ज्यादा होती है और एसिडिक कंडीशन होती है, तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन होता है ये इसको न्यूट्रल करता चलता है और इसको फिर बेसिक कन्वर्ट में, बेसिक नेचर में कन्वर्ट करता जाता है। इससे क्या होता है, स्पर्म को एक कह सकते हैं कि मार्ग मिलता है, उस मार्ग से ये आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से ये यहां से स्पर्म निकला, ये स्पर्म यहां पर पहुंच रहा है, ठीक। कुछ स्पर्म इधर चले जाएंगे तो वहां पर ओवम नहीं है, तो इसलिए वहां पर कोई प्रोसेस नहीं होगी। ये माना जाता है कि जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है वो पर मंथ, ये यहां पर आकर के यहां पर बैठ गया, ठीक है, इस्थमस वाले भाग में। ऐसा माना जाता है कि जो ओव्यूलेशन होता है एक मंथ में एक ओवरी से होता है, दूसरे मंथ में दूसरे वाले ओवरी से या ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। अब देखेंगे कि बहुत सारे स्पर्म यहां पर कहां पर, इस सेकेंडरी ओवोसाइट के पास, ये मान लेते सेकेंडरी ओवोसाइट है, इस सेकेंडरी ओवोसाइट के चारों ओर यहां पर जो है एक आवरण पाया जाएगा, चारों एक आवरण पाया जाएगा जिसको नाम देंगे जोना पेलिसिडा। ये होता है जोना पेलिसिडा और इसके चारों ओर फिर यहां पर बहुत सारे मेम्ब्रेन्स घिरा होता है, इस तरह से संरचना होती है, आपको समझ में अभी आ जाएगा। ये तो बहुत सारे सेल्स ये घिरी होती हैं, ये हो गया, ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो ये हो गया जोना पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा, और ये होता है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ये अंदर क्यों सेकेंडरी वो साइट है, ठीक है, सेकेंडरी वो साइट है। असल में इसको सेकेंडरी वो साइट क्यों कहते, ओवम क्यों नहीं कहते, आपको बता दे, सेकेंडरी वो साइट जो है अपने मियोसिस सेल डिवीजन के एनाफेज सेकेंड में रुका रहता है। मींस यहां पर एनाफेजिक जो सेल डिवीजन है उस एनाफेज सेल डिवीजन को कंप्लीट नहीं कर पाता है, इसीलिए यह जो है ओवम में कन्वर्ट नहीं हो पाता। आपको फिर से बता दूं, ये मियोसिस सेल डिवीजन के, मियोसिस सेल डिवीजन के मियोसिस सेकेंड वाले भाग में, एनाफेज सेकेंड में रुका रहता है, जिसके फलस्वरूप ये ओवम में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके पास एक ही सेंट्रियोल है और जब स्पर्म आकर इससे जुड़ेगा तब जाकर के ओवम में कन्वर्ट होगा, ठीक। ये यहां पर अब यहां पर समझेंगे कि बहुत सारे स्पर्म यहां पर आ रहे हैं, ये क्या है, बहुत सारे स्पर्म यहां पर मान लेते आ रहे हैं और कोई एक ही स्पर्म यहां पर सक्सेस होगा जो जाकर के इससे जुड़ जाए। बहुत सारे इनफाइनाइट मिलियंस स्पर्म यहां पर इंजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो बहुत सारे स्पर्म यहां पर चूंकि 200 टू 400 मिलियन है, लेकिन इसमें से बहुत कुछ नष्ट हो जाते हैं, तो तब भी मान के चलते लगभग जो है करोड़ों स्पर्म यहां तक पहुंचेंगे। अब ये स्पर्म यहां पर जब पहुंचेगा तो ये कोई इसमें आगे भेजने का प्रयास करेगा, समझेंगे इसको ध्यान से, मैं यार बहुत सारे स्पर्म को लेकर के आ रहा हूं। अब देखिए स्पर्म भी क्या होते हैं कि स्पर्म भी जो स्पर्म पाए जा रहे उसमें से कम 60% ऐसे स्पर्म होने चाहिए जो समान शेप के होने चाहिए और उसमें से 40% ऐसे होने चाहिए गतिशील होने चाहिए, तभी उस स्पर्म में कैपेसिटी होगी वो सेकेंडरी ओवोसाइट को भेद पाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अब इसमें से क्या होगा, कोई स्पर्म यहां से जाएगा और एक स्पर्म जा करके इसके कोरोना रेडिएटा वाला भाग को भेदते हुए जैसे अगर पहुंचा, अब स्पर्म को अगर हम देखें तो स्पर्म के स्ट्रक्चर पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें, ये मान लेते इसका एक स्ट्रक्चर है, यह एक स्ट्रक्चर है, यह है, इसका टेल है,
ये स्पर्म मैंने डायग्राम बना दिया स्पर्म का, ये हो गया। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होंगे। ये इसका मिडिल पीस है, ये नेक है, ये इसका एक बड़ा सा केंद्र किसमें प्रेजेंट होता है, ये इसका हेड पार्ट है। इसके ऊपर की ओर यहीं पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, ये ठीक है, यहां पर जुड़ा रहेगा। ये होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम, इस एक्रोसोम में एक एक्रोसिन नामक एंजाइम पाया जाता है, एक्रोसिन एंजाइम, एक्रोसिन एंजाइम होता है। और ये इसका न्यूक्लियस होता है, ये इसका न्यूक्लियस है यहां पर, ये इसका नेक पार्ट होता है, नेक पार्ट है, ये इसका मिडिल पीस है, मिडिल पीस है, और ये इसका टेल हो गया। इस टेल की सहायता से तैरते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आपको समझ में भी आएगा, तो इसमें जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसिन एंजाइम, ये एंजाइम जाकर के इस कोरोना रेडिएटा को भेजता है। किसको भेजता है? जो कोरोना रेडिएटा है, उस कोरोना रेडिएटा को भेज दिया, ठीक। अगर एक्रोसोम को आप काट करके हटा दीजिए, तब ये स्पर्म इसको नहीं भेज पाएगा, नहीं स्पर्म जो है इस ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। और ये एक्रोसोम का निर्माण कहां से होता है? ये गॉल्जी बॉडी से इसका बनता है, इसका जो निर्माण होता है वो गॉल्जी बॉडी से एक्रोसोम का निर्माण होता है। अब कोई एक स्पर्म जाएगा अपने एक्रोसोम की सहायता से उसको भेज देगा, और भेजते भेजते कहां जोरा प्रसुडा को भेजा, और जैसे ही यहां पर पहुंचता है ये स्पर्म, अब इस स्पर्म का एक सेंट्रियोल जो होगा, ये यही सेंट्रियोल जो रहेगा, तो प्रायः नेक वाले भाग पाया था, इधर पाया था सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल जाकर के से जुड़ेगा, और इस जो सेकेंडरी ओसाइट है, उस सेकेंडरी ओसाइट को, उस सेकेंडरी ओसाइट को यहां से जो है ले करके जो है इस सेकेंडरी ओसाइट को कन्वर्ट कर देता है यहां पर जो है ओवम में। और इस तरह से जो सेकेंडरी ओसाइट है अब ओवम में कन्वर्ट हो गया। जैसे इसका एक न्यूक्लियस, एक सेंट्रियोल यहां पर है, यहां पर एक सेंट्रियोल किसके पास है? जो सेकेंडरी ओसाइट है, उस सेकेंडरी ओसाइट के पास यहां पर जो एक साइटो क्या नाम है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। और जैसे यहां पर जो है जो मेल वाला प्लस जो मेल वाला आ रहा है, मेल गैमिट आ रहा है, इस मेल गैमिट जिसको हम नाम देंगे स्पर्म, क्या है स्पर्म जो होगा, इसके पास का जो सेंट्रोसोम्स है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, और ये मिल करके ये यहां पर जो है कंप्लीट जो है करके इसको सेकेंडरी ओसाइट को ओवम में कन्वर्ट करते हैं। अभी एनाफेजिक जो सेल डिवीजन रुका था, ये क्रॉस करके अपना सेल डिवीजन कंप्लीट कर लेता है, और ये जो है या ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस यहां पर रहती है, और फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है? ये रीजन है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये इधर एम्पुला से आगे की ओर बढ़ती है, और स्थमस से स्पर्म आगे की ओर बढ़ता है, और यही एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन वाले पॉइंट पर यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये जो फर्टिलाइजेशन हो गया, ये बन जाता है जाइगोट, ये बन गया जाइगोट। अब इस जाइगोट से पूरी प्रोसेस क्या होगी, वो आपको समझ में भी आएगा धीरे धीरे, कि जाइगोट के बाद अब पूरी प्रोसेस क्या होगी, कैसे यहां पर ये सारे स्पर्म समाप्त हो गए। जैसे जाइगोट बना, सपोज करते ये यहां पर क्या बन गया, जाइगोट, अब यहां पर कंप्लीट हो गया। जैसे यहां पर जाइगोट बना, ये मान लेते क्या बन गया, अब सारे स्पर्म नष्ट हो जाएंगे, ये बन गया जाइगोट। जैसे यहां पर जाइगोट बनता है, ये यहां से फौरन तुरंत एक फिर से जो है एक जोना प्रसुडा का आवरण यहां पर बन जाता है, ये फिर से जोना प्रसुडा का आवरण यहां पर गिर गया। और इसके बाद जो कोरोना रेडिएटा है, ये कोरोना रेडिएटा पूरी तरह से इसके चारों ओर फिर से गिर जाता है, और अब ये इस प्रकार से बन जाता है, अभेद्य बन जाता है, कि कोई और इस पर इसको फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। इस तरह से ये यहां पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, और ये बन गया यहां पर जाइगोट। अब ये जाइगोट जो यहां पर बन करके आया है, ये जाइगोट जो बन करके आया है यहां से, अब ये जाइगोट क्या होगा, यहां से इन सबका काम खत्म, ये सब नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद स्पर्म सारे समाप्त हो गए। अब इसके बाद जो है ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट अब आगे क्यों बढ़ना शुरू करता है, वापस आता है और यूटेरस वाले भाग में पहुंचता है। सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट जैसे यूटेरस वाले पार से पहुंचते स्टार्ट करता है, सबसे पहले 24 घंटे लग जाते हैं इसके सेल डिवीजन में। आप कहा था इसमें सेल डिवीजन जो होता है वो 24 आवर का होता है, आफ्टर 24 आवर्स के बाद जो होता है ये एक सेल और बना लेता है, यानी कि ये बाइसेलुलर हो जाता है, इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाते हैं, और ये यहां पर जो 1 और 2 बना लिया, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है कि वो 2 सेल तो बन रहा है, लेकिन इसकी साइज में आपको चेंजिंग नहीं होगी। फिर आफ्टर 24 आवर ये यहां पर जो है
फिर दो से चार सेल्स बना लेंगे, लेकिन जो सेल की साइज है वो यहां पर बढ़ेगी नहीं। फिर 24 आवर, इस तरह से करते करते ये यहां से इधर आता है, ये 2 सेल्स बन गया, फिर उसके बाद 4 सेल्स बन गया, लेकिन इसकी साइज नहीं बढ़ेगी। और 4 से पहुंचते पहुंचते चौथे दिन में पहुंचते पहुंचते कुल 8 सेल यहां पर बना लेता है। चौथे दिन यहां पर 8 सेल बना है, चौथा दिन याद रखा है, ठीक है। तो 0 से 4 डेज जो होता है, 0 से 4 डेज जो होता है, इस अवस्था में ये जो इस जाइगोट था वो जाइगोट डेवलप करके प्रो एम्ब्रियो बना लिया, और वो प्रो एम्ब्रियो 8 कोशिकीय 8 सेल स्ट्रक्चर बनती है, 8 कोशिकीय संरचना बन जाती है, और ये 8 कोशिकीय संरचना साइज में अपने उसी जाइगोट के बराबर ही होता है, जितना बड़ा जाइगोट होता है उसी के बराबर यहां पर होता है। इस केस को कहते हैं मारुला, इसको कहते हैं मारुला। फिर ये लगातार डिवीजन करते करते लगभग 5 से 7वें दिन हर 24 घंटे पर विभाजन होता रहता है, और ये 8 से 16 कोशिका बना लेता है। और 7वें दिन कंप्लीट होते होते ये इसमें क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट बनने स्टार्ट हो जाता है, जिसका जोना प्रिसुडा होता है, ये यहां पर ट्रोफोब्लास्ट बना लिया है, ठीक है। ये यहां पर एक ट्रोफोब्लास्ट बना लेता है। अब ये ट्रोफोब्लास्ट होता है, ये 2 प्रकार से प्रोसेस करता है। एक तो ट्रोफोब्लास्ट लगातार डिवीजन करता है, और इससे क्या होता है, एक ऊपर की ओर भी सेल बनता है। तो यहां पर 2 लेयर प्रेजेंट हो रहा है, एक जो है यहां पर आउटर मास लेयर प्रेजेंट है, एंड सेकेंड इज द इनर मास लेयर यहां पर प्रेजेंट होता है। इस तरह से यहां पर बन गया। जो अंदर वाली पार्ट होता है, ये इनर मास लेयर होता है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करता है, और जितने भी लगभग 32 जो सेल्स बनाए 5वें से 7वें दिन, ये 32 सेल्स जो होते हैं वो आकर के एक पोल पर जो है आकर के ये कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरह से यहां पर एक जो है एक कैविटी बन जाती है, जिस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, और ये ब्लास्टोसील कैविटी का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। और ये ब्लास्टोसील कैविटी में होता क्या है, एक्चुअल में ये जो यूटरस होता है, इस यूटरस में से एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस आकर के इसमें जो है मलते ही है, इस व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस आकर के इसमें सिक्रीट होने लगता है, जिसको हम यूटेराइड मिल्क के नाम से जानते हैं। तो यहां पर क्या होता है, यूटेरस से एक जो है मिल्क, एक लिक्विड सब्सटेंस जो व्हाइटिश कलर का होता है, ये यूटेराइन मिल्क आकर के इसमें जो भर जाता है। बाद में यही एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस में जब पढ़ेंगे तो एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस में यही चीज यही से फ्लूड को लेते हैं, ये बन गया। अब जो ट्रोफोब्लास्ट होता है लगातार डिवीजन करता रहता है ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट जो बाहर की ओर होता है ये बहुकेंद्रकीय हो जाता है। जो ट्रोफोब्लास्ट होता है बाहर की ओर जो होता है ये बहुकेंद्रकीय होता है, जिसको हम लोग सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये यहां पर सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट बना लेता है। ये सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, इसी के थ्रू जो यहां पर ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट के थ्रू यहां एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है। आप देखेंगे यहां पर कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, ये मान लेते हैं यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये ट्रोफोब्लास्ट है, वो भी सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट होता है। इसके अंदर जो होते हैं ये यहां पर बहुत सारे सेल्स जो है डिवीजन करके रहते हैं। तो ये एक फिंगर लाइक पोजिशन में आता है, और ये एंडोमेट्रियम जो होता है, इस एंडोमेट्रियम से भी एक फिंगर लाइक पोजिशन निकलता है, और जा करके इससे जुड़ जाता है, ये जा करके इससे जो है जुड़ जाता है, और इसको बना लेता है प्लेसेंटा, और ये बन जाता है यहां पर प्लेसेंटा बन गया। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन आपको याद रखना है कि सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट से हो रहा है, याद रखना है सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा फॉर्मेशन हुआ, और वो जाकर के एंडोमेट्रियम से यहां पर जुड़ जाता है। और उसके बाद जो है ये पूरी प्रोसेस, ये जो सेल्स है ये लगातार डिवीजन करके यहाँ एम्ब्रियो बनाना स्टार्ट करेगा, और ये एम्ब्रियो डेवलप हो करके फर्टल का फॉर्मेशन करेगा, और वो फर्टल फिर आगे चल करके एक जो है शिशु बनेगा। अब ये जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा में कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो आपको समझना है कि प्लेसेंटा जो होता है, इस प्लेसेंटा वाले भाग में, प्लेसेंटा में कुल जो है 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक तो इसमें प्रोटीन हार्मोन होता है, प्योर प्रोटीन होता है प्रोटीन हार्मोन, और ये प्रोटीन हार्मोन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक इसमें स्ट्रेडियोल होता है, एंड सेकेंड इसमें जो है प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन होता है, प्रोजेस्ट्रॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो होता है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, मिस कह सकते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन होता है, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिन हार्मोन होता है, ये एक्चुअल में यही कार्पस ल्यूटियम का स्राव करता है, या कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करता है,
हार्मोनियम कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस होता है इसका, तो ये कार्पस ल्यूटियम बनाता है। इसके अलावा दूसरा जो होता है, ये फर्स्ट है, दूसरा जो होता है ह्यूमन सोमेटो माइमोट्रोपिन, माइमोट्रोपिन हार्मोन होता है ये, इसको हम लोग ह्यूमन प्लेसेंटल सोमेटोमेमोट्रोपिन भी कह सकते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल सोमेटोमेमोट्रोपिन कह सकते हैं, हार्मोन कह सकते हैं। और ये जो होता है जब बच्चा थोड़ा सा गर्भ में 7 महीने के बाद अगर स्टार्ट होता है, तो ये यहां पर जो मेमोरी ग्लैंड होता है उस मेमोरी ग्लैंड को कॉन्स्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और कॉन्स्ट्रिक्ट करके उस मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करता है, जिसके फलस्वरूप वहां से मिल्क सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये यहां पर इसके हार्मोन्स होते हैं। और ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है, ये कार्पस ल्यूटियम की अगर बात किया जाए तो प्रारंभ में क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटियम है, इस कार्पस ल्यूटियम से जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। लेकिन ये केवल जो है अगर देखा जाए तो यहां पर जो है अधिकतम 6 से 8 सप्ताह तक के जो भ्रूण होता है उसमें बनता है। 6 से 8 सप्ताह के बाद प्लेसेंटा से इतनी मात्रा में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन स्रावित होने लगता है कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कह सकते हैं कि 6 से 8 सप्ताह के अगर अंदर की बात करें तो उसके पहले अगर ओवरी को काट करके हटा दिया जाए तो जो एम्ब्रियो है यानी जो भ्रूण है वो एबॉर्ट कर जाएगा। लेकिन अगर 6 से 8 सप्ताह के बाद ओवरी को काट कर हटा भी दिया जाता है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हार्मोन्स होता है वो हार्मोन्स प्लेसेंटा स्वयं उसको एक्सक्रीट करना शुरू कर देती है, सिक्रीट करना शुरू कर देती है। इस तरह से अगर ओवरी को काट करके आप हटा भी देते हैं तो भी जो एम्ब्रियो है वो सेफ रहेगा, वो एबॉर्ट नहीं करेगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव आइए ऑर्गन से, यहां से ओवरी द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहां से ओविलेशन होता है और ये फिम्ब्री इसको कैच करती है और कैच करके सेकेंडरी ओसाइट को एम्पलरी रीजन में ले आती है। इधर से स्पर्म जो है इंटर करता है, स्पर्म इंटर करने के बाद स्टमस भाग में जाता है, फिर दोनों आपस में एम्पलरी स्टमिक जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है और वहां से पूरी जो प्रोसेस होती है लगभग 5 से 7 दिन के बाद जाकर के एंडोमेट्रियम से जाकर के जुड़ जाती है और वहां से फिर अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट करती है। तो ये आज का जो टॉपिक था ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैनल नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।